Hi, my name is Chandan Roy Sanyal and I'm here to tell you a very small little story. बात कुछ दिसंबर की है 2020। तो एक फिल्म शूट करने मैं कलकत्ता गया था। कलकत्ता के बाहर एक छोटा सा स्टूडियो है, मतलब कुछ 2 घंटे दूर, बहुत ही छोटा सा स्टूडियो है, उसका नाम है पर्पल स्टूडियो। सुबह के 9 बजे थे, तो मैं जैसे ही स्टूडियो में घुसा तो सामने खुला सा मैदान था, सुबह की धूप खिली हुई थी, बहुत ही अच्छा गुनगुना सा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने वहाँ देखा कि 3-4 छोटे छोटे द लिटिल पपीज़, कुत्ते के बच्चे, वो खेल रहे थे और मुझे थोड़ा सा जानवरों से प्यार वगैरह है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रानी है, रानी मेरे परिवार का एक हिस्सा है। तो मैं गया उनके पास, वो भी दौड़ते हुए आए। तो मेरी आदत है कि जब मैं ऐसे किसी को मिलता हूँ सड़कों पे, किसी इस तरह के जानवर जो, तो मैं उनका ऐसे कुछ नाम वाम रख देता हूँ। तो 4 थे भाई बहन, तो मैंने उनका नाम गप्पू, टप्पू, चप्पू और राजू रख दिया। मुझे लगता है वो नाम से आदमी थोड़ा कनेक्ट करना आसान हो जाता है। जैसे ये रानी है, वो पानी है, बाहर टिनटिन है, देन दे बिकम कैरेक्टर्स, रियल लाइफ कैरेक्टर्स, द लिटिल पपीज, गप्पू, पप्पू, टप्पू, राजू। तो मैं गया उनके पास, मैंने बस कुछ खाने का सामान था, मैंने मंगाया, उनको दिया, तो उनके साथ खूब खेला, दिन भर मैं खेला, ऐसे दिन बीत गया। और फिर अगले दिन मैं सुबह फिर से गया, वही 9 बजे कॉल टाइम, वही स्टूडियो, पर्पल स्टूडियो, वही मैदान, वही सुबह, वही धूप, वही ठंडी हवा। मैं जब जैसे ही घुसा तो वो 3 कुत्ते दौड़ते हुए मेरे पास आए छोटे से, क्योंकि वो मुझे पहचान गए थे, ये मेरे साथ कल खेल रहे थे, तो वो खुशबू से पता चल गया होगा उनको। तो दौड़ते हुए आए, मैं उनके साथ खेलने लगा, लेकिन मुझे देखा कि एक चौथा जो है राजू, ही वॉज मिसिंग फ्रॉम द सीन। तो मैंने देखा शायद आ जाएगा, मैंने पुकारा, आया नहीं। तो कुछ 10-15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, तो वो जब नहीं आया तो मैंने वहाँ पे जो वॉचमैन है उसको पूछा कि यार ये राजू जो है अपना कहाँ है, कल का जो सबसे ज़्यादा जो कूद रहा था, सबसे ज़्यादा जो खेल रहा था। तो बोला सर कल वो रात को यहीं खेल रहा था, जब आप लोग का शूट खत्म हुआ तो एक लाइट के ट्रक के नीचे वो आके दब के मर गया। दुख हुआ, थोड़ा स्तब्ध हो गया मैं। तो राजू के साथ तो मेरा एक बहुत ही एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। जब यूनिट में बात फैली तो लोग इसके बारे में बात करने लगे, और जो उस लॉरी का ड्राइवर था उसके तक बात पहुंची, तो इस बात से वो भी बहुत आहत हुआ। और मैंने देखा कि राजू की जो जान गई उसमें सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे आसपास के काफी लोगों के अंदर एक कुछ ना कुछ सेंस ऑफ लॉस मैंने देखा एक आया। ये कहानी कहने का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप कितने ही निष्ठुर हो, कितने ही कठोर हो, निर्दयी हो, शायद आपका प्रिय हो ना हो, लेकिन एक जीवन, एक जान जब किसी की चली जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये बात जो है अफेक्ट करती है, एक टीस सी उठती है आपके अंदर, एक वेदना जो है वो जागती है। अगले दिन फिर काम पे जाना है और आपकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ ना कुछ सेंस ऑफ लॉस मैंने देखा एक आया। अगले तीसरे दिन हम 9 बजे वही वही सर्दी, वही धूप, वही मैदान, वो 3 पिल्ले जहाँ राजू मिसिंग था, अप्पू, टप्पू, गप्पू तो थे, लेकिन आसपास के और भी जो दूसरे जानवर थे जो वहाँ खेल रहे थे और जो आपके पास दौड़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा जो यूनिट में जो है एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा था, लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, दे वर लिटिल मोर अटेंटिव टुवर्ड्स दोज एनिमल्स अराउंड, पीपल वेर लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम नाउ ऑन। ये मैंने एक चीज़ देखी कि राजू तो चला गया, उसके जाने से मुझे देखा कि काफ़ी लोगों के अंदर एक परिवर्तन जो है मैंने देखा, एक पर्सपेक्टिव जो है वो मैंने लोगों का बदलते हुए देखा।